हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। और अब टर्न आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है जब हम 6 में से 6 मार्क की तैयारी कर लें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोइट्री सेक्शन क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से, और 1 to 6 आपकी लास्ट पॉइंट तक 1-1 एक्सट्रैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और विद क्वेश्चन विद रीजन एंड हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो मेरा एक्सट्रैक्ट है वो है माई मदर इज 66 बाय कमला दास। और यहाँ जो क्वेश्चन है मेरा एक पूछा गया है वो क्या है, जो पोइटेस है उसने यूज़ किया है वर्ड लास्ट फ्राइडे स्पेसिफिकली। अब लास्ट फ्राइडे स्पेसिफिकली पोइट ने यूज़ किया है, तो ये एक्चुअल में किस पर्पज़ के लिए उसने लास्ट फ्राइडे वर्ड को यानी फ्रेज जो है यूज़ किया है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ओवर आर्किंग आइडिया ऑफ थिंग्स कमिंग टू एन एंड। कहने का मतलब क्या है कि जैसे फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे होता है, मीन्स फ्राइडे जो है ऑलमोस्ट वर्किंग डेज, लास्ट वर्किंग डे काउंट होता है, और सैटरडे संडे थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है। ऐसे ही अगर इसको सिंबॉलिकली देखें तो पोइट की मदर की लाइफ की भी बात की जा रही है कि 66 की एज तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा एक लिंक पोइट ने क्रिएट करने के लिए लास्ट फ्राइडे वर्ड यूज़ किया है पोइट की अपनी मदर की एज के साथ, साथ में जो वीकेंड का टाइम होता है उसको कंपेरिजन देने के लिए। अब जैसे ही मेरा ये जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है इसमें है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक आई लुक टू अगेन एट हर वैन पील एस लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ऑल फेमिलियर एक। अब आपने देखा एक्सट्रैक्ट है, इसके बेस पे क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन ऑफ यंग ट्रीज, यंग ट्रीज को कैपिटल लेटर्स में क्यों हाईलाइट किया गया। अगर इसमें देखें इनहेंसिस द कंट्रास्ट बिटवीन पोइट सिक एंड पेल मदर एंड ट्रीज, इसका मतलब क्या है, यूथ जो है, यूथ एक्चुअल में पासिस वेरी क्विकली, इसका राइट आंसर ये है। अब एक्सप्लेनेशन के तौर पे अगर देखें तो यहाँ क्या बता रखा है, जो ट्रीज हैं वो स्टिल यंग हैं विद ऑल दियर ग्रीनरी अहेड ऑफ देम, बट जो मदर है वो उसकी जो एज है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो मदर इज़ एन एशियन इमेज ऑफ डेथ, वो एक्चुअल में डेथ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ यंग ट्रीज, अब आप देखिए ये इस तरह के एक ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसी जो सेकंड क्वेश्चन है, द यूज ऑफ द वर्ड विंटर्स मून इज एन एग्जैक्ट इमेज, यानी एक एक्सट्रैक्ट में जो दिया गया ये फ्रेज है विंटर्स मून, वो सजेस्ट करता है ड्यूरिंग विंटर्स स्काई, स्काई एक्चुअल में क्या होता है वो मिस से कवर होता है, ये सब कोर्स ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं फोग होती है तो क्लियर नहीं होता। दिस इज कंपेयर्ड विद मदर्स फिजिक बिकॉज, अब पॉइंट आपको बताना है कि मदर के फिजिक से कंपैरिजन क्यों किया गया इसका, तो उसका रीजन क्या है कि एज हैज फॉग्ड मदर्स यूथफुल अपीयरेंस। एक्चुअल में क्या होता है, एज की वजह से जो उसका मदर का जो यूथफुल अपीयरेंस है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे ही जब लेट विंटर की बात करते हैं तो फोग की वजह से कहीं ना कहीं जो चांद की चांदनी में उसमें वैसी चमक नहीं होती, इसलिए पोइट ने यहाँ पर इस चीज़ को कंपैरिजन में लिया है, सिंबल के तौर पे यूज़ किया है। अब आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएटली, जस्ट एज द ब्राइटनेस ऑफ द विंटर्स मून इज वेल्ड बिहाइंड द हेज एंड मिस्ट, ऐसे ही अब जैसे जैसे ब्राइटनेस जो है मून की वो मिस्ट के पीछे हो जाती है, ऐसे क्या होता है, एज हैज फोग्ड मदर्स यूथफुल अपीयरेंस, तो यानी एज की वजह से जो मदर की जो यूथफुल अपीयरेंस है वो ख़त्म हो गई है। अब एज की वजह से उनका फेस जो है काफ़ी बूढ़ा लगता है, रिंकल लगता है। ऐसी क्वेश्चन 4 है, माई मदर एज 66 इज़ ए पोइम, यानी आपको किस तरह की पोइम है वो बताना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये एक कन्फेशनल पोइम है, येस ऑफकोर्स पोलिटिकल पोइम का इसमें कोई टच नहीं है, पोलिटिकल लेवल पर ट्रेडिशनल भी नहीं, कल्चरल भी, बट कन्फेशनल है, यानी पोइट खुद कन्फेस कर रही है अपनी मदर के बारे में। और साथ में ये पोइम क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉमन फीलिंग्स जो कि डॉटर्स की अपनी मदर के लिए है, तो इन दिस रिगार्ड दिस पोइम इज ए रिप्रेजेंटेशनल वर्क एंड द टाइटल इज एप्ट, यस ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट वेदर माय मदर एज 66 इज ए पोइम दैट हाईलाइट्स ए डॉटर्स पेनफुल फीलिंग्स ऑफ ग्रोइंग ओल्ड हरसेल्फ, ये आपको बताना है येस यानी ट्रू और फॉल्स में बताना है। तो ये क्या लगता है आपको कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो हम कहेंगे येस ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, वेदर माई मदर एज 66 इज अ पॉइंट दैट हाईलाइट्स ए डॉटर्स पेनफुल फीलिंग्स ऑफ ग्रोइंग ओल्ड हरसेल्फ, नहीं हरसेल्फ नहीं, उसकी अपनी मदर के बारे में बताया गया एक्चुअल में। तो यस द डॉटर इज केयर टू लूज हर मदर थ्रू द पैसेज ऑफ डेथ, थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम या डेथ के उसको लगता है कि मेरी मदर काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है।
अब आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है अबाउट द पोइट्स फीलिंग्स डिपिक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में जो फीलिंग डिपिक्ट की गई है उसमें से कौन सा एग्जैक्ट ट्रू नहीं है। तो यहाँ कहेंगे, यहाँ हम चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद मैं सीधा आपको बता देता हूँ, द पोइटेस नेवर वॉन्टेड टू एनकाउंटर सच सिचुएशन। ये सच नहीं है, वो कभी नहीं चाहते थे कि उसको ऐसी किसी सिचुएशन को एनकाउंटर करने का मौका मिले। ऐसी आपको बताना है कि एक पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी। अगर आपको सपोज ये स्टेंजा आ जाता है और इसमें पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो यहाँ आपने राइट आंसर देना है इंजैपमेंट। इंजैपमेंट में क्या होता है, इस तरह के जो पैराग्राफ होते हैं जिसमें कहीं पर भी कोई फुल स्टॉप नहीं है, वहां पर हम इंजैपमेंट पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो कीपिंग क्वाइट पोएम से है और लिखने वाले कौन है, पेब्लो नेरुदा। अब जैसे कुछ जनरल क्वेश्चन के बाद आपके साथ एक्सट्रैक्ट डिस्कस करूंगा, यानी व्हाट इज द फ्रेज ह्यू साइलेंस। ह्यू साइलेंस क्या चीज सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है डीप अंडरस्टैंडिंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, आपकी जो समझ और आपकी जो सच्चाई को जानने की क्षमता उसको हाईलाइट करता है। ऐसे कंप्लीट द सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली, द टोन ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज, किस तरह की टोन है पोएम की। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, यही क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंस द पोइट इज अर्जिंग हिज रीडर्स टू स्टे साइलेंट एंड स्टिल, ही हिमसेल्फ अडॉप्ट्स ए वेरी ट्रैंक्विल सीरीन टोन। बड़ी सीरियस ही टोन पोइट की है, टू सेट द मूड ऑफ द पोएम। यानी इसका मतलब क्या है कि जो पोइट की टोन है वो काफ़ी सीरियस है। क्या जो मैसेज आपको दिया गया है, जो ये लाइन आपने देखी है या पोइट्री के बारे में आपने देखा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर क्या बोला गया है। तो ह्यूमंस हैव सेक्रीफाइस देयर इमोशनल नीड्स इन द रेस ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यानी हम लोग अपनी फिजिकल जरूरतों में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने जो शरीर की इमोशनल जरूरतें वो तो भूल ही गए हैं। तो दे हैव लॉस्ट देयर मेंटल सेटिस्फेक्शन वाइल फुलफिलिंग देयर एम्बिशंस विच हैज़ मेड देम सैड एंड सेक्लूडेड, और इसकी वजह से उदास से रहते हैं, अपने आप को कटा कटा सा महसूस करते हैं। ऐसी जो एक्सट्रैक्ट है जो इस पोइम का, मीन्स इस पोइट्री के अंदर से जो मैंने चार तीन चार लाइन ली, जैसे परहैप्स अर्थ कैन टीच अस एस व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल ऑल कीप स्टिल एंड आई गो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डस द अर्थ टीच अस, अर्थ हमें क्या लेसन टीच करती है, तो यहाँ राइट आंसर हम देंगे येस ऑफ कोर्स, स्टिलनेस डस नॉट मीन इनएक्टिविटी। अर्थ हमें ये सिखाती है कि स्टिलनेस का मतलब इनएक्टिविटी होना नहीं है, एक्टिविटी सब चलेंगी बट हार्मफुल एक्टिविटी को रोकना है हमें। क्वेश्चन टू है, व्हाट डज द पोइट वॉन्ट टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12, पोइट क्या अचीव करना चाहता है बाय काउंटिंग अप टू 12। तो यहाँ राइट आंसर है वो है टू इंट्रोस्पेक्ट। एक्चुअली जो है टू काउंट 12 डजंट टेक मच टाइम, बट दिस टाइम इज इनफ टू लुक इन टू द एक्टिविटीज एंड रिफ्लेक्ट, यानी अपनी एक्टिविटीज को देखना और उनके बारे में सोचना थोड़ा सा वो हमारे लिए इनफ है 12 तक अगर काउंट करेंगे। ऐसे फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नाउ सीम्स टू बी डेड बट लेटर बिकम्स अलाइव। अब किसके बारे में ऐसा कहा गया है कि एक एक पल के लिए ऐसा लगता है डेड है बट नेक्स्ट मोमेंट अलाइव है, तो सीड के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। एक्चुअल में सीड जो है हिडन होते हैं, लेकिन कहाँ गिरते हैं उसके बाद किसी को पता ही नहीं होता कि ये ऑलरेडी वहाँ गिर चुके हैं और वहाँ पे स्प्राउट भी हो जाएंगे, है ना। एक्चुअल में सीड्स को लेकर ऐसा बोला गया। ऐसी जो नेक्स्ट है वो है मेरा क्वेश्चन, येस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्या है, कंप्लीट करना है आपको, इन कंप्लीट द सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली, दिस पोइम इज एन इज नॉट एन एक्टिविस्ट कॉल टू एक्शन बट ए फिलोसफर कॉल टू इंट्रोस्पेक्शन। यानी ये कहेंगे कि कोई एक्टिविस्ट आपको नहीं कह रहा है ऐसा, लेकिन एक फिलोसफर है वो जरूर कह रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए अपना टाइम जरूर निकालें। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी द पोइट्स राइटिंग स्टाइल इन द पोइम इज वेरी सार्केस्टिक एंड हार्श। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उसका जो राइटिंग स्टाइल बहुत सार्केस्टिक है, बिटर है या फिर हार्श है, तो हम कहेंगे नहीं, जो पोइट का राइटिंग स्टाइल है वो क्या है, वेरी सॉल्वफुल है एंड इट सीम्स टू कम स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। अगर आपको अपना आंसर देना है तो ये दे सकते हैं। तो दिस इज प्रोबेबली वाई द पोइम अपील्स टू द हार्ट मोर देन द फैकल्टीज ऑफ द इंटेलेक्ट, एंड दिस पोइम इज नॉट एन एक्टिविस्ट कॉल टू एक्शन बट ए फिलोसफर पोइट्स कॉल टू इंट्रोस्पेक्शन। यानी ये एक फिलोसफर की तरह पोइट ने यहाँ बिहेव किया है और आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला है। परहैप्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहैप्स अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड और लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पोएटिक डिवाइस आपने कौन सा यूज किया है अर्थ के लिए, तो वो कहेंगे हम
पर्सोनिफिकेशन हम लगाते हैं तब जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो लिविंग थिंग के लिए होना चाहिए। जैसे एक लाइन में देखें, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ इसी अर्थ को पर्सोनिफाई कर दिया गया किसी ऐसी चीज़ से जो आपको लाइफ दे सकती है। तो अब आपको मैंने बोला है कि मैं आपको पूरी की पूरी जो है पोइट्री का पार्ट देने वाला हूँ, तो यहाँ पर इस पार्ट को स्टॉप करूंगा। बट आपको निक्स जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी अ रोड साइड स्टैंड और आन जेनिफर के एक्सट्रैक्ट देने वाला हूँ इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते रहिएगा तरन सर क्लासेस, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।